आज अकू जा रहा है स्कूल और ये परी भी चली गई स्कूल के लिए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू वीडियो। नई ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज मौसम बढ़िया है और ठंडी ठंडी हवा चली सुबह सुबह। रुक जा भी, एडमिशन तो हुआ ही नहीं। तब जाएगी स्कूल में जब एडमिशन होगा। अरे रुक जा भाई, रुक जा। बाय बाय बाय। अरे बाय बाय। अरे बाय। अरे रे रे बाय। इसको पकड़ो। तो मैं जा रहा हूँ स्कूल को। स्कूल में कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है, हमें पढ़ाई करने बहुत शौक है। अच्छा, जब लॉकडाउन पड़ा था तब क्या कैसा लग रहा था? सर जी बहुत खराब लगता था, घर में बैठे लॉक हो जाते थे। हां सर जी, टीवी देख रहा हूं, मम्मी डांट पड़ती थी सर जी। अच्छा, अब तो स्कूल हमारा शौक, हम खेलते थे सर जी। हां अच्छा, सच में बोलो, झूठ मत बोलो, सच में बोलो। झूठ ही नहीं बोल रहे सर जी, बोर लगता था घर में। यस सर, झाड़ू पोछा साफ करना पड़ता था। स्कूल में आते हैं, झाड़ा पोछा भी नहीं करना पड़ता। और ये मेरी फ्रेंड कनिष्का है और मैं माँ ही हूँ। स्कूल आने में कैसा लग रहा है? स्कूल आने में बहुत अच्छा लग रहा है। क्या क्या काम दिया रही? स्कूल में मस्ती करने में मजा आती है। हाँ सर। अच्छा, हम पिट्ठू खेलते हैं। मुझे बोरियत आती है नहीं, बस मुझे काम करना। एक बात का दुख होता है क्योंकि मेरी फ्रेंड लोग तो यहाँ है नहीं, सब दिल्ली, कोई गोरदार, कोई पौड़ी, कोई फलाना फलाना, और फिर मैं यहाँ अकेले रहती हूँ और मुझे बहुत गंदा लगता है मतलब। अच्छा, बाकी और कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं मुझे। पॉइंट बता जरा। पॉइंट मैडम जी आर्ट बना रही है फुलदेवी पर्व के लिए, और ये बोर्ड बन रहा है, आगे लगेगा। और यहाँ पे प्रेरणा भी मदद कर रही है, फ्लावर बना रही है, और मैडम गुलदस्ता बना रही है। मथुरा छाई रहे, हरी फूलों से मथुरा।
कविता मैडम जी बताएंगे फूलदेई के बारे में, इधर कहानी बताओ क्या है इसके। हेलो, मेरा नाम कविता सुमन और मैं तुम्हें आज बताऊंगी ये जो त्यौहार है हमारा उत्तराखंड का पर्व फूलदेई जिसका नाम है, ये हमारे जो जीवन में है फूलों की सुगंध और ये जो हवा है और ये जो फूलों की खुशबू है ये हमारे शरीर में ऐसी महक लाता है और हम महक उठते हैं। इस त्यौहार में बहुत ही मज़ा आता है और जब हम छोटे थे तो हमें बहुत ही मतलब उत्साह रहता था इस चीज़ को मनाने का कि हम किस तरह से सुबह उठते थे, नहाते थे, अपनी अपनी टोकरियों को लेके इधर उधर भागना, हमारा सब साथियों के साथ फूलों को बटेरना और लोगों के घर पे जाके इस त्यौहार को मनाना। जैसे देखिए मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह के फूलों को हम लाते थे और किस तरह हम इस पर्व को मनाते हैं। हम किनगोड़ा, इसको बोलते हैं किनगोड़ा, और इस पे जो ये छोटे छोटे से फूल हैं इनको हम, इन फूलों को हम तोड़ के और टोकरी में भर के, अच्छा, जैसे मेलू हो गया और आड़ू का हो गया, खुमानी का हो गया, बुरांस का हो गया, और ये पहिया होता है जैसे, उसके फूलों को एक टोकरी में लेके हम इस पर्व को मनाते हैं। तो कहानी बताओ इसकी। अब मैं आपको इसकी कहानी बताती हूँ कि क्यों इस पर्व को मनाया जाता है। इस पर्व को एक वाघ कन्या थी जिसका नाम था प्योली, ठीक है, प्योली, अच्छा, प्योली नाम था उसका, फूल का नाम भी प्योली है, फूल का नाम भी प्योली है, लेकिन उसी के नाम पे हमने उस फूल को प्योली, उस फूल का नाम प्योली रखा। और जो वो लड़की थी वो वाघ कन्या थी, वो जंगलों में रहती थी, ठीक है, जंगलों में उसका वास था, वो अपने माता पिता के साथ और अपने भाई बहनों के साथ और बहुत सारे दोस्त थे उसके, तो वो जंगल में रहते थे। एक बार क्या हुआ कि राजकुमार जो कि महलों में रहते हैं वो घूमते घूमते जंगल में आ गए। जब वो जंगल में आए तो क्या कहते हैं उन्हें ना, उनसे, प्योली से जो लड़की थी उससे उन्हें प्रेम हो गया, तो उन्होंने उनके आगे शादी का प्रस्ताव रखा, तो उनके माता पिता ने उनके साथ शादी कर, उनके माता पिता ने मतलब राजकुमार के साथ उस लड़की की शादी करा दी जिसका नाम प्योली था। जब उन्होंने उनसे शादी कराई तो प्योली वहाँ से क्या कहते हैं राजमहलों में रहने चली गई, और जो पेड़ पौधे थे ये बहुत ही दुखी हुए। इससे क्या हुआ कि जो जंगल था वो पूरा मुरझा गया, जो फूल थे मुरझा गए, पेड़ सूखने लग गए, तो उन्होंने उनसे निवेदन किया कि क्या कहते हैं उन्होंने उनसे निवेदन किया कि क्या राजा जी आप मतलब हमारी प्योली को हमारे यहाँ बेच सकते हैं दोबारा से, क्योंकि हमारा जो जंगल है वो पूरा ही सूख गया है। तो राजकुमार नहीं माना और उन्होंने क्या किया कि उन्हें मना कर दिया। तब क्या हुआ कि ऐसे में ही धीरे 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 उम्र बढ़ती गई और उनका देहांत हो गया। किनका? प्योली का देहांत हो गया। अच्छा अच्छा। अब जब प्योली का देहांत हो गया तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम प्योली का देहावसान कहाँ करेंगे, दाह संस्कार उनका जंगल में ही करेंगे। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने जंगल में उनका क्या कर दिया, अंतिम संस्कार कर दिया, ठीक है। तो जब उन्होंने वहाँ अंतिम संस्कार किया उन पे, तो जहाँ अंतिम संस्कार हुआ था वहाँ पे एक फूल खिला। अच्छा। पीले कलर का फूल खिल गया, मतलब तभी प्योली नाम पड़ा उसका, है? हाँ, तो अच्छा। उस फूल का नाम उन्होंने प्योली रखा। तो धीरे 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 करके वो जंगल दोबारा से हरा भरा हो गया। अच्छा, अच्छा। और पूरे फूल खिल गए, जंगल हरा भरा हो गया, इसलिए हम प्योली पर्व को मनाते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू दोस्तों, स्कूल से आ चुके हैं और अभी अभी खाना खाया, तो थोड़ा अभी रेस्ट कर रहा हूँ। तो आज आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें।